जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं एग्रो सस्टेनेबल फार्म हांसी में। अजय भाई का फार्म है ये, जो पिछले 1.5 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। इनका जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आइए आज मैं आपको इनका ये फार्म दिखाता हूँ। दर्शकों हमारे साथ में अजय भाई। अजय भाई सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अजय सारन है। ये बकरी फार्म मैं पिछले 2 साल से चला रहा हूँ। मेरे पास बीटल नस्ल की बकरियाँ हैं और मैं ब्रीडिंग के ऊपर काम करता हूँ। एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन में तो इसको काफ़ी 2-2.5 साल हो गए हैं, पर एनिमल्स लाए हुए करीबन 1.5 साल हो चुका है मुझे। कितने एनिमल से शुरू किया था आपने अपना ये फार्म? ये शुरुआती जब मैं ट्रेनिंग की थी मथुरा से और 1-2 जगह ट्रेनिंग और ली थी, ट्रेनिंग 3-4 जगह करने के बाद, कंस्ट्रक्शन करने के बाद 15 बकरियों और 1 बकरे से मैंने स्टार्ट किया था। ये बताइए बकरी पालन करने से पहले आप क्या करते थे? मैं एक्चुअली मर्चेंट नेवी से बिलोंग करता था और मैंने करीबन 42 महीने सेल किया है। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ एनिमल, क्योंकि मैं शुरुआत से ही आप यूँ लगा लिया एनिमल फ्रेंडली कह लीजिए या लगाव है जानवरों से, तो हमेशा से कुत्ते पालता था या गाय, तो उसके हिसाब से मैंने ये स्टार्ट किया है। अच्छा, पहले आपने ट्रेनिंग की? ट्रेनिंग की है इसके बारे में मैंने। कहाँ से? मैंने एक HOU अपने हिसार में है भेड़ फार्म, वहाँ से गवर्नमेंट वहाँ से की थी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग। एक अपने मथुरा से की थी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग। और काफ़ी जगह जाता रहता हूँ मैं, जहाँ पे भी कुछ नॉलेज कहीं पे भी गेन हो सके तो वहाँ जाना चाहिए। ट्रेनिंग तो मैं लेता रहता हूँ, अभी भी जाता हूँ किसी के पास, कलीग के पास या जो साथ में काम करते हैं, तो वहाँ से जहाँ से भी सीखने को मिले मैं ट्रेनिंग लेता रहता हूँ। अजय जी, आपने ये जो अपना फार्म बनाया, बड़ा भव्य रूप से बनाया आपने, डबल स्टोरी फार्म है। हाँ जी, हाँ जी। और कितने क्षेत्रफल में है और क्या खर्चा आपका आया था? ये जो फार्म है ये 1 एकड़ में है। वैसे तो जो इनके लिए चारा उगता है वो अलग से है, पर जो फार्म का एरिया है वो 1 एकड़ है, बाउंड्री है 1 एकड़ में। और जो शेड का एरिया है ये 50x40 का मेरा शेड है, 50x40 आपका 2000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है। ये डबल स्टोरी है और नीचे जैसे शुरुआत में हमने कड़कनाथ के साथ काम किया था और ऊपर बकरियाँ थी, अभी धीरे धीरे जैसे अब नीचे भी अभी हम बकरियाँ ऐड करने वाले हैं, क्योंकि बकरियाँ काफ़ी गाबन क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, तो हम नीचे भी अभी बकरियों का स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये शेड है, इसमें मटेरियल जो है डबल स्टोरी शेड बनाया था, जो इसकी प्लास्टिक की फ्लोरिंग है ये एक्चुअली तमिलनाडु से हमने बाय की थी, ऑनलाइन हमने देखा था। और फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें यहाँ पर थी पर वहाँ पर थोड़ी अच्छी क्वालिटी की, जिस तरह कोयंबटूर से ये बाई ट्रेन आई थी, स्पेशली बकरियों के लिए ही है ये। और करीबन 4 लाख रुपए का ये फ्लोरिंग आई थी इसकी। बाकी जो लोहा है, जो इसकी पाइप्स हैं आप देख सकते हैं, जाली है या फिर पर्दे हैं, काफ़ी कॉस्टली हो गया। कुल मिला के करीबन 30 लाख रुपए इस पे खर्चा आया है, सारा जो भी आपके गोदाम है, रहने का है, एक ऑफिस है लेबर के लिए है, पानी की टंकी है, समर्सिबल जो भी है, बाउंड्री है 1 एकड़ की, सारा कुछ मिला के 30 लाख के करीब इस पे खर्चा आया है। अभी आपके पास कितनी बकरियाँ? आपने 15+1 से शुरू किया था। जी, अभी एक्चुअली मेरे पास 75+ ही हैं बकरियां, तो जिसमें से 40 बकरियां ऐसी हैं जो मतलब गाबिन हैं, कुछ 20 करीब ऐसे बकरियां हैं जो अभी 6 महीने के करीब गाबिन होने की एज पे आ जाएंगी। लेकिन सभी जितने भी बच्चे हैं वो सब हमारे यहीं प्रोड्यूस किए हुए हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बच्चे हैं, क्योंकि यहीं ब्रीडिंग करते हैं। और बकरे हैं कुछ, बाकी सेल आउट हो गए हैं बकरे, कुछ बकरे हम मतलब बकरे जब भी लगता है कि हो गए हैं बड़े एज के हो गए हैं तो उनको सेल आउट करने में, क्योंकि ब्रीडिंग फार्म है ज़्यादा बकरे भी परेशान करते हैं, तो बकरे हम सेल आउट कर देते हैं। अभी करीबन 10 बकरे हमारे पास होंगे, तो इस तरह 75 कुछ है। आपने जो नस्ल चूज की, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बीटल चूज की हुई है आपने, इसको चूज करने कोई खास वजह? जी, बड़ी ब्रीड है, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन है इस ब्रीड का, और पंजाब की नस्ल है, तो हरियाणा पंजाब में तो कोई वही बड़ा भाई छोटा भाई की बात है, सारा आपका वातावरण भी सेम है, बारिश धूप सर्दी सब टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है, तो इससे ज़्यादा मेरे को दिक्कत भी नहीं आई। और सेल आउट या परचेज करने के लिए दूर से बकरी आई तो भी दिक्कत होती है, तो इसलिए पास से ही है तो अच्छा है। आपने एक ही ब्रीड चूज की, इसकी कोई खास वजह? जी बिल्कुल, इसकी यही वजह है कि रख सकते हैं हम काफ़ी ब्रीड, पर उसके लिए एक अलग शेड होना चाहिए। अगर आप एक शेड में एक ही ब्रीड के ऊपर काम करेंगे तो ही फ़ायदा है, नहीं तो वो आप रोक ही नहीं सकते मिक्स, या कुछ ना कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप 2 नस्ल या 3 नस्ल रखना चाहते हैं तो आप अलग अलग शेड बनाइए उनके लिए, अलग अलग रखिए, अलग अलग उनको खाना दीजिए, तो वो फ़ायदेमंद है। मेरे एक्सपीरियंस से एक ही ब्रीड पे, अगर आपका फार्म एक शेड है तो आप एक ही ब्रीड पे काम करें। 2 नस्ल की बकरियां रखने में
एक और भी दिक्कत है, जैसे बरबरी है, छोटी नस्ल है, ये बहुत बड़ी नस्ल है, तो ये तो खुद ही बहुत लड़ती हैं, वो छोटी नस्ल को तो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये टक्कर बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारती हैं, अबॉर्शन होते हैं, बहुत चीज़ें हैं, क्रॉस ब्रीडिंग भी हो जाती है, आप यूँ लगा लीजिए, तो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। अगर हमने बरबरी पे काम करते हैं तो हम बरबरी पे ही रखें, अगर हम बीटल पे करेंगे तो बीटल पे ही रखें। अजय जी, आप इनको खाने में क्या दे रहे हैं? खाने में न्यार है, जो अपने गवारी का न्यार हो गया, मूंगफली का न्यार आता है, और हरा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नेपियर है, हमारे पास सुपर नेपियर है, नेपियर का बेस्ट है ये, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी। हम बकरी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि शेड में ही रखते हैं, बांध के कभी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो सुबह न्यार देते हैं, शाम का दाना है, दलिया है, जो हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही उगाते हैं, जिसमें मेज़ आपका जौ हो गया, गेहूं हो गई और मक्का हो गई, खड़ उसके साथ पीस देते हैं, मशीन है उसके अंदर दलिया बन जाता है, फीड तैयार करके सबका मिक्सचर शाम को मिल, रात को देते हैं, सुबह इनको न्यार मिलता है और दोपहर को हरा मिलता है। कभी कभी हम ग्रेजिंग पे भी छोड़ते हैं, जो अपने खेत हैं इधर, जब कोई फसल नहीं होती है, अच्छा घास होता है, तो उनको बिल्कुल छोड़ते हैं, हम ग्रेजिंग के लिए भी छोड़ते हैं। एक दिन का दाने का खर्चा कितना आता है? आप यूँ लगा लीजिए, कुछ तो बकरी के साइज़ के हिसाब से भी मैटर करता है, बकरी का बॉडी वेट क्या है, कितना खाएगी, पर आप लगा लीजिए कि 400 ग्राम से 600 ग्राम तक के बीच में सब बकरियों का इतना ही रहता है खाने का, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, इस पीरियड में थोड़ा डिफर करता है। खर्चा कितना आता है? लगभग 10 रुपये, लगभग 10 रुपये, लगभग 10 रुपये खर्चा है दाने का। जैसे आपने बीटल पाली हुई है, बड़ी ब्रीड है, दूध के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है, मीट के लिए भी बड़ी अच्छी मानी जाती है, ये कोई बीमारी वगैरह आती है इसमें? ऐसी कोई खास बीमारी नहीं है जिसको हम टैकल ना कर सकें। नॉर्मल जो चीज़ होती है, आप जानवर को थोड़े दिनों में जानने पहचानने लगोगे, उसकी चाल चलन से, मतलब आप देख के ही बता दोगे कि ये ठीक लग रहा है कि नहीं है। बाकी हर बीमारी का इलाज, ऐसी कोई खास बात नहीं होती। कोई सीरियस होता है तो डॉक्टर हैं हमारे, डॉक्टर राजेश हैं यहीं पे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपके एनिमल बहुत स्वस्थ हैं, बहुत हेल्दी हैं। जी जी, शाइनिंग बहुत अच्छी है, क्या वजह है इस सब की? जी, धूप मिलना, ग्रेजिंग करना, दौड़ना, भागना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज भी है। खाते रहेंगे, बड़े बड़े मोटे हो जाएंगे, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। जितनी भी गोट्स हैं, सबको चलना फिरना कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ नीचे उतारते हैं तो आप देखेंगे पेड़ों पे चढ़ चढ़ के, या मतलब एक्सरसाइज जिस तरह से भी मसल की वो करती हैं, इसी वजह से खुश हैं। अगर हम उनको टोटली, मैंने ये भी देखा है कि अगर बिल्कुल उनको अंदर बंद करके रखें तो भी इतना अच्छा नहीं है उनके लिए। अजय जी, मैंने बकरियों की काफ़ी वीडियो शूट करी हैं, लेकिन आप जैसा सिस्टम नहीं देखा इसमें, जो आपने ये फ्लोरिंग की हुई है कि ये आपने जाली वाला फ्लोरिंग कराया हुआ है, जी जी, क्या वजह रही इसकी? जी, अपने यहाँ नहीं है, नॉर्थ साइड में, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे या महाराष्ट्र में, जहाँ बड़े बड़े फार्म है, वहाँ ऐसा होता है, जहाँ ज़्यादा बारिश या नमी होती है। बारिश यहाँ भी है, देखिए नमी तो बकरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, मैं ऐसी बात नहीं, इसका पैसा लगा है, लेकिन इसके फ़ायदे भी काफ़ी हैं। जैसे कि नमी नहीं होती, आप मींगनी है, पेशाब है, ये 2 मिनट में नीचे चला जाएगा, और पंखा चल रहा है ऊपर, उसी वक्त सूख जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको सूखने में, सूखा रहेगा, लेबर की आपका कट ऑफ हो जाता है एक तरीके से। मैं अकेला इस फार्म को संभाल लेता हूँ, एक लेबर कभी मैं नहीं हूँ तो एक बंदा आके संभाल लेता है, साफ़ सफाई की कोई दिक्कत नहीं रहती, बीमारियाँ नहीं लगती। जैसे कि अगर आप ज़मीनी स्तर पे करेंगे, मिट्टी पे करेंगे, या पत्थर फर्श पे, पक्के पे करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है पेशाब करते हैं, मींगनी करती हैं, वो कीचड़ में बहुत, सबसे ज़्यादा बीमारियों का कारण वही है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, इसमें एयर एंट्री भी प्रॉपर होती है, इसी वजह से इसमें चीचड़ वगैरह नहीं हो पाते हैं, और इन्हें बीमारी नहीं आती है, नमी नहीं होती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बिल्कुल नमी नहीं होती है, और एयर आप अभी जाके देखेंगे अंदर, ऐसा बंद है लेकिन अंदर फुली एयरी है, ये जो बोरी है ऊपर से, और बारिश से बचाव है, बारिश से बचाव है, ज़मीन से ऊपर है, चीचड़ वगैरह वो भी नहीं पहुँच पाते हैं। कुछ कड़कनाथ हमारे पास तो वैसे भी नहीं होते हैं चीचड़ तो, पर बहुत फ़ायदा है इसका, थोड़ा लगता है, पर आप लॉन्ग टाइम में देखें, अगर आपने बिजनेस करना है तो इस फ्लोरिंग में आपके ज़्यादा फ़ायदा है, आपके लेबर की कॉस्ट बचती है। अगर आप 100 बकरियों का नॉर्मल फर्श पे करते हैं, तो उनकी रोज़ की मींगनी 3 टाइम साफ़ करना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, पेशाब को भी सुखाना टाइम से, तो फ़ायदा है इसका भी, अपना फ़ायदा है। बाकी सबकी अपनी वो है, कोई नीचे बनाना चाहे नीचे भी कर सकता है। आपके पास में बकरियों के साथ साथ कड़कनाथ भी है जी, और कड़कनाथ भी टचवुड बहुत अच्छी क्वालिटी का, ऐसा बढ़िया कड़कनाथ मैंने नहीं देखा, जबकि कई वीडियो शूट की हैं कड़कनाथ की भी। आपके पास गाय भी है, वो भी बहुत अच्छी नस्ल की है, तो थोड़ा इस बारे में बताइए जी। पहले हमने जैसे शेड बनाया था तो नीचे मुर्गों का सोचा था,
अभी भी मुर्गों का ही है, पालने को पाल सकते हैं हम, प्रॉपर वो है, सारे इक्विपमेंट्स हैं, पर एक बैच मैंने मुर्गों का कड़कनाथ का निकाल दिया है, मतलब ला के पाल के मैंने सेल आउट भी कर दिया है। अभी मेरे पास 50 से 60 हैं, वो एक्चुअली डॉग्स हैं, डॉग्स के लिए अंडे और खुद के लिए भी काम आ जाता है, बाकी चीचड़ वगैरह सब अच्छा है, सुबह उठा देते हैं, अच्छा लगता है फार्म पे मुर्गे होते हैं तो, और इसीलिए क्वालिटी है क्योंकि प्योर ब्रीड है, एक साल से हैं, अच्छा इनको मिलता है नेचर, आप देख ही रहे हैं पूरे एक एकड़ में घूमते हैं ये, कोई रोक टोक नहीं है इनको। गाय हैं, जानवरों से आपको बताया प्यार है, तो मैं तो बस चलो शेर भी पाल लें पर वो अलाउड नहीं है, तो गायें बच्ची ही लेके आया था मैं, अभी एक प्लान और है कि मैं एक दूसरी देसी नस्ल की ही छोटी बछिया लेके आऊँगा, ओपन ग्रेजिंग पे रहती है, डॉग भी है, गायें भी हमारी एज ए डॉग ही लगा लीजिए आप, नाम से खुली रहती है वो, दुर्गा नाम है उसका। और जी आपने इतना सारा पैसा फार्म में लगाया जी, पिछले 1.5 साल से बकरी पालन कर रहे हैं जी, जी कड़कनाथ भी कर रहे हैं जी, इसमें प्रॉफिट वगैरह कैसा है आप ये बताइए जी। प्रॉफिट की ऐसी बात है, अभी तक प्रॉफिट लिया नहीं है, जैसे कि मैं 15 बहुत ही अच्छी नस्ल की बकरियां लेके आया था, जो कि काफ़ी मतलब आप यूँ लगा ले 25 से 30 हज़ार के करीब मेरे को एक पर बकरी की कॉस्ट पड़ी थी उस टाइम, आज से 1.5-2 साल पहले। तो अभी मेरा जो फोकस है वो है कम से कम 100 अच्छी क्वालिटी की बकरियां जो कि बच्चे पैदा करें, और हर 8 महीने में मैं उनसे किडिंग जो है उनसे मैं प्रॉफिट लूँ। अभी बकरे मैंने सेल आउट किए हैं, ओबियसली 10 बकरे मैंने सेल आउट किए हैं, कुछ हैं अभी जो फॉर सेल हैं 10 के करीब, जैसे 10 महीने का बच्चा है वो 21.5-22 हज़ार रुपये में, 20 हज़ार रुपये में भी सेल आउट किया है, 8 महीने का 10 हज़ार 11 हज़ार, ये नॉर्मल सा मतलब अच्छी क्वालिटी के बच्चे हैं तो इस प्राइस में चले जाते हैं बकरे। पर अभी जो बकरियां हैं मेरे पास, आते हैं बकरियां लेने, पर मैं अभी जैसे अभी आपसे, आप मेरे दोस्त हैं तो अभी आपके साथ मार्केटिंग के लिए मैंने ये वीडियो पहली बार बनवाई है, नहीं तो 1 साल पहले भी, पर अभी तक मेरा बेचने का कोई वो नहीं था, अभी तक मैं अपने फार्म को ही बड़ा कर रहा था। जब ये 100 बकरियां हो जाएंगी, अभी किडिंग आएगी, तो उसके बाद सेल आउट का प्रॉफिट, तो जानवर जहाँ हेल्थी है वो तो बिकेगा मार्केट के अंदर, बिकेगा ही बिकेगा, बस उसको पहुँचाने के लिए आपकी कॉस्टिंग वैल्यू सबसे कम तभी होगी जब आप क्वांटिटी आपके पास होगी, तो इसीलिए बस उसी चीज़ का इंतज़ार था, और वो धीरे धीरे जानवर बढ़ रहे हैं तो आगे देखा जाएगा। मतलब आप फ्यूचर में आप इसको सेल भी करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सेल करने के लिए ही है, मतलब जो लोग आपसे संपर्क करें आप उनकी हेल्प करेंगे, आप उन्हें एनिमल देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा, हरियाणा में बीटल बहुत अच्छी ब्रीड है पलने के लिए, यहाँ पे भी बहुत कुछ हो सकता है अगर हम बकरी पालन पे ध्यान दें तो। मैं तो हरियाणा के जितने भी भाई हैं जो भी बकरी पालन करना चाहते हैं उनको अच्छी नस्ल दे के, बहुत ही अच्छी, बिल्कुल साफ, आप यूँ लगा लीजिए वैक्सीनेटेड भरोसेमंद जो नस्ल है, कोई आपको ये नहीं कहेगा ये मतलब ब्रीड के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं निकाल सकते आप, आपको जिस कलर चाहिए वो कलर मेरे पास अवेलेबल होगा। आप लोग कहते हैं ब्लैक है तो बीटल है, मैं ये कहता हूँ कि बीटल स्ट्रक्चर देख के होती है ना कि रंग देख के होती है, अगर नोज़ सींग मुंह कान लीफ लाइक ईयर जो आपके हैं ये जो कुछ हैं ये सारी चीज़ें अगर उस बकरी में हैं, अगर कलर बेशक से दूसरा है तो वो बीटल ही है, ऐसी कोई बात नहीं। पर बीटल हमारे पास ब्लैक भी है, वो परचेजर की डिमांड के ऊपर है, हमारे पास ब्लैक, हमारा जो ब्रीडिंग बक्स हैं वो ब्लैक हैं, पर बकरियाँ हमारे पास हर कलर की, हमारे पास प्योर वाइट भी है जो कि ब्लैक से काफ़ी महंगी है। किसान जो भी बकरी पालन करना चाहेगा आने वाले टाइम में, हम उसे अच्छी नस्ल के बच्चे बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। और जैसे कि आप देखेंगे कि ये सब ब्रीड आपने देखा टॉप क्वालिटी ब्रीड है, ये बिल्कुल भी जैसे मीट कटिंग या उसके लिए यूज़ नहीं है, जो भी है अच्छी ब्रीड के बकरे हैं आपके पास। और जो मेरा जो अभी तक कमाई है जो 10 बकरे, तो वो तो मैं आपको नहीं कह पाऊंगा भाई वो मेरी कमाई है, कमाई यही है जो 15 से अभी 70 के करीब हो गई हैं, यही मेरी कमाई है। दर्शकों, काफ़ी समय से आपकी ये मांग थी कि बकरी पालन का कोई एक बहुत अच्छा यूनिक कंटेंट लेके आएं, वो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। आपने देखा ये कितनी अच्छी तरह से बकरी पालन कर रहे हैं। आप जो YouTube पर देखते हैं, बकरी पालन शुरू करने से पहले आप अच्छी तरह से फार्म जाकर अच्छी तरह से सर्च कर लें, उसके बाद में ही बकरी पालन शुरू करें। और जैसे अजय जी ने 2 जगह से ट्रेनिंग करी है, बिना ट्रेनिंग के बकरी पालन में ना घुसें। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आ रहे होते हैं कि लोग जानवर खरीद लेते हैं, उसके बाद वो PPR FMD में आते हैं, फिर वो मेरे को फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें इस परेशानी से निकालें। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बकरी पालन शुरू करने से पहले ट्रेनिंग ज़रूर करें। तो ये थे हमारे साथ में अजय जी, जिन्होंने आपको बकरी पालन और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।